नमस्कार प्रायिकता और याचिक प्रक्रियाओं के इस पाठ्यक्रम में अभ्यास प्रश्नों के परिचर्चा में आप सबका पुनर्स्वागत है इससे पहले हमने असतत यात्रिक चर के पर चर्चा की और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में कुछ अभ्यास प्रश्नों को लिया आज की परिचर्चा में हम सतत याचिक चर पर कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे तो आइए शुरुआत करें तो पूर्व की भांति पहले हम कुछ पुनरावलोकन करते हैं याचिक चरों का तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा एक याचिक चर अगर सतत है तो वो उस दशा में होता है जब हमारे पास एक गैर नकारात्मक फलन होता है जो उस याचिक चर का मान किसी भी समुच में होने की प्रायिकता की गणना इस प्रकार कर सकता है जहाँ पर वह फलन को उस याचिक चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन भी कहते हैं आगे हम देखते हैं कि अगर कोई यादृच्छिक चर x सतत है तो उसका प्रायिकता वितरण फलन या बंटन फलन जो कि f से निर्दिष्ट है अवकलनीय होता है तो उसका अगर उस प्रायिकता वितरण फलन का अवकलन करते हैं तो हमें उस यादृच्छिक चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन प्राप्त हो सकता है एक अन्य गुण यादृच्छिक चरों का कि किसी याचिक्क्षर का औसत मान की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है उस याचिकर को उसके प्राइक्रा दबमान फलन के साथ समाकलित करने पर हमें उसका औसत मान प्राप्त होता है और यह औसत मान अगर हमारे पास उस याचिकचर का कोई फलन दिया हुआ है तो उसको भी हम पूर्व की भांति जैसा कि हमने देखा था असत चरों की दशा में वहाँ पे हमने उसको सारी हमारा प्रायिकता द्रव्यमान फलन दिया था तो हमने उस प्रायिकता द्रव्यमान पे याचिक चर जो मान लेता था उस पर भरित औसत निकाला था यहाँ पे भी हम भरित औसत निकाल रहे हैं लेकिन समाकलन की सहायता से क्योंकि यह फलन सतत है अब आगे बढ़ते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के याचिक चरों के प्रायिकता द्रव्यमान फलन के बारे में तो सबसे पहला जो आता है एक याचिक चर जो किसी अंतराल में एक समान वितरित होता है या बंटित होता है और तो उसका प्रायिकता का फलन निम्न प्रकार दिया जाता है ऐसे चर का औसत और विचरण का मान निम्नलिखित रूप से निकाला जा सकता है जो कि अंतराल पर निर्भर होता है अन्य प्रकार का याचक्षर सतत याचिक्चर जिसको कि प्रासामान्य या आंग्ल भाषा में नॉर्मल कहा जाता है अपने प्राचार्यों जो कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर या जो है जो कि उसका औसत और विचरण का मां को दर्शाते हैं तो उसका प्रायिकता घनत्व तो फलन निम्न प्रकार दिया जाता है तो आप इस घनत्व फलन से परिचित होंगे भली ही। इसे हम गासी या प्रासमान्य प्रायिकता द्रव्यमान फलन कहते हैं ऐसे या चर्चा का औसत और विचर कामान क्रमशः हम हमने पहले ही चर्चा की है जो कि म्यू और सिग्मा इस के घातों से दिया जाता है अगर कोई प्रसामान्य याचिक्चर जो कि अपने प्राचालों म्यू और सिग्मा स्क्वायर के साथ दिया है तो एक अन्य याचिक्चर जिसको कि हमने दिए हुए याचिक्चर में से उसके औसत मान को घटाने के बाद उसके मानक विचरण से भाग देने पर एक नया याचिक्चर जिसे कि हमने जेट से अंकित किया है अगर हम प्राप्त करते हैं तो इस याचिक्क्षर का औसत शून्य होगा और इसका विचरण इकाई के बराबर होगा और इसीलिए जेड या छिक्चर को एक मानक प्रसामान्य छिक्चर भी कहा जाता है इसका उपयोग हम गढ़ती प्रश्नों को हल करने में प्रायिकता निकालने में बहुत बार करेंगे एक अन्य प्रकार का सतत याचिक्चर जिसे कि हम घाती वितरित कहते हैं प्राचल लैम्डा के साथ यह इसका असतत या याचिक हमने पहले ही चर्चा की है उसी के प्रकार है फर्क इतना ही है कि यहाँ पे प्रायिकता घनत्व तो फल दिया होगा पूर्व के दशा में वो प्रायिकता द्रव्यमान फलन देखा क्योंकि वो असतत था तो अगर उसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन इस प्रकार दिया है तो उसको हम एक घाती विचरित याचिक्र कहते हैं जिसका कि औसत और विचरण का मान जैसा कि इंगित किया हुआ है ये प्राचर के संबंध में प्राप्त होता है और किसी घाती यात्रिक चर का संचयी वितरण फल निम्न प्रकार दिया जाता है यह हम इसको समाकलित करने पर प्राप्त कर सकते हैं जो कि ऊपर दिए हुए प्रायिकता घनपन को अगर हम समाकलित करें x के सापेक्ष तो हमें यह प्राप्त हो सकता है जो घाती वितरित चर होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे विहीन होते हैं यानी कि किसी धनात्मक एस और टी के लिए प्रायिकता उस याचिकचर के मान लेने की एस धन टी की जबकि यह पता हो कि हमारा जो याचिकचर है उसका मान टी से ज़्यादा है बराबर होती है प्रायिकता एस से ले यह इसका तात्पर्य यह है कि अगर मानिए एक्स यहाँ पर किसी भी वस्तु की बचे हुए जीवन काल को व्यक्त करता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वस्तु का जीवन काल अगर वो नई है या वो अति समय इस्तेमाल हो चुकी है तो इस समय इस्तेमाल हो चुकी है तो दोनों दशाओं में उसका जीवन का समान रहेगा तो यह इस गुण का हम आगे के उदाहरणों में आपको प्रयोग दिखाएंगे कैसे किया जाता है